हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 12 संसार पुस्तकें यहाँ तक रीड किया था। आगे थोड़ा सा ही रह गया है, जिसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे है, किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर है जो वो कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि हम जी वो पूरा संसार है, ये ही एक पूरी पुस्तक है। मतलब कि जो भी हम किताबों में पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ही हमें कुछ सिखा सकती हैं, कुछ पढ़ा सकती हैं। हम उन्हीं से पढ़कर कुछ सीख सकती हैं। इस पूरे संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ बताती हैं। इसलिए बस हमें ये जानना होगा कि हम उसे किस नज़रिए से देखें और उसे कैसे पढ़ सकें। ठीक है, आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आपने इसके क्वेश्चंस फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, लेखक ने प्रकृति की अक्षर किन्हें कहा है। आपने चैप्टर रीड करके उनमें से देख लेना है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी, ये भी हमने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा गर्म थी, जिस पर कि हम जैसे आम आदमी नहीं रह सकते थे। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है, कुछ चीज़ों का नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है, जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, पत्थरों वगैरह से हम दुनिया का पुराना हाल जान सकते हैं। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है, गोल चमकीले रोड़े के बारे में हमने इस पहले में पढ़ा है, आपने देख लेना है। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार में उत्तर लिखिए। जैसे कि आज हमने ये पैरा पढ़ा है। ठीक है, इस पैरे में ही हमारे इस पूरे चैप्टर में पूरे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपने अच्छे से देख के रीड करके क्वेश्चंस फाइंड कर लेने। ओके, थैंक यू।